जो पाबंद सौमा सलातां दा होवे, अदा करने वाला ज़कातां दा होवे, ना पेती जना दी अगातां दा होवे, ना सुनने वाला लगव बातां दा होवे, बुरी नजर करके जो नहीं चाखदा ए, कुरान उसनु वली आखदा ए, वली ओ नहीं हुंदा जो तूंबा वजावे, ते किंग उते जेड़ा ससी हीर गावे, मिर्जा ते सहबा जिनू हाल पावे, वली हरगज नाच करके ना दिखावे, बहु बेटी लोकां दी जो तक देने, वली नहीं बदमाश जग देने, वली ओ नहीं हुंदा जो पंगा कुटावे, नशा पी के तुर दियां खबरां ले आवे, कुकड़ बटेरे ते कुत्ते लड़ावे, वली हर कद रोटी मंग के न खावे, शक वाली रोटी दे नेड़े वली नहीं जे जांदा, रिजक पाक अल्लाह वली नू खवांदा। वली हुंदा मखलूक विच नेक बंदा, वली दाड़ी उते फराउंदा नी रंदा, ना पाउंदा तमाला मोड़े रख डंडा, वली कोलो हुंदा नहीं कोई कम मंदा, वली दिन रात अंदर इबादत लगांदा, वली वेखिया खुदा याद आउंदा। अल्लाह मोदी साहब ठीक है, आइए ना जरा गौर कीजिए, तवज्जो मेरे वाल। मैं जड़ी गल मैं क्या 12 साल तो कटाओ, कहना नहीं इन्हें रहन दो। अगले दिन ना वह कोकम नूरानी उन्हें एक बड़ी गप छड़ी, उन्हें क्या कि पीर तनके शाह सी, उन्हें 20 साल कुछ नहीं खादा। उन्होंने आख्या उन्होंने मरीज आंदा जी पानी भी नहीं पीता, उन्हें क्या पानी भी नहीं उन्हें पीता, 20 साल उन्हें पानी भी नहीं पीता। हुण दसो मैं फिर हाथ जोड़े मैं क्या मौली साहब चलो 12 ही कर लो, 20 तो ना रहन दो 12। कोई है तू गल करने वाली की इन्हों लोग का अकीदा, कोई समझ नहीं आती की बयान कर दे। हुण इमाम साहब कहिंदे ने खामद फौत हो गया, बीवी उन्हू हाथ ना लाए, बीवी फौत हो गई है, खामद उहदा चेहरा ना वेखे, निकाह टुट गया है। मैं क्या आओ मैं नबी पाक की अदालत के अंदर लै चला, आ हदीस सुननियां ते आले हदीसां दीयां कानफ्रेंसां जाया कर। मेरे अबू बकर सिद्दीक दुनिया तो फौत हुंदे ने, गुसल उन्हां दी बीवी असमा बिनते उमैस ने दिता है, हजरत अल फातिमा फौत होईयां गुसल अलीउल मुर्तजा ने दिता है। आका फरमाते ने आयशा मेरी जिंदगी च फौत हो जाए तेनू गुसल भी आप दिया, कफन भी आप दिया, तेरा जनाजा भी आप पढ़ावा। हुण इमाम साहब की आंदे ने मेरा कौल छड्डो हदीस, अगर मौलवियों ने हदीस मनी होंदी कहिंदे भी खावत बीवी बीवी खावत नूं गुसल दे सकदी है, ये आंदे ने तोवा तोवा नेड़े भी नहीं जाना। इमाम साहब आंदे ने मेरा कौल छड्डो हदीस मनो, तू हदीस नूं ही नहीं मनी, कौल भी नहीं मनिया, बनते हो वफादार, वफा करके तो दिखाओ, कहने की वफा और है करने की वफा और है। ना तो बड़ा लेंदे हो यही मुकल्लिद। उन्हें तीसरा सवाल किया इमाम साहब एक पासे तुहाडा कौल होए सहाबी का कौल होए की करना है, सहाबी का कौल तवज्जो, एक पासे तुहाडा कौल है। इमाम अबू हनीफा रहिमाहुल्लाह दी गल सुना रहा, इमाम साहब आंदे ने उतरो कु कौली भी कौले सहाबा, मेरा कौल छड़ दे सहाबी का कौल मन लै। हुण ऐ मेरा मसलक है मेरा मनहज है, जिथे कुरान दी आयत आ जाए इमाम दा कौल, बोलो बोलो बोलो, जिथे हदीस आ जाए इमाम दा कौल नहीं मनना, जिथे सहाबी दा कौल आ जाए इमाम दा कौल नहीं मनना। ए यकीदा हजरत इमाम अबू हनीफा दा, ए यकीदा कुरान दा, वा इजा की लहुम तालू इला मा अंजलल्लाह, इलामा अंजलल्लाह व इलर रसूल रईतल मुनाफिकीन यसुद्दूना अनका सदूदा। आइए जरा गौर कीजिए, मौली साहब को मसला पूछा है जी साढ़े को ना एक नबीने आफत साहब ने वो जमात करा सकते ने, मौली साहब ने कहा नहीं नहीं नबीने नु पता नहीं लगता,